बड़ी खबर बता दें इस वक्त की कन्नौज से मिल रही है, जहां पर कोरोना काल में राज्य मंत्री नीलिमा कटियार की लापरवाही सामने आई है। बिना मास्क पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनके जरिए बैठक की गई, तो बिना मास्क पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में मंत्री नजर आई है। तो नीलिमा कटियार, जिनकी लापरवाही इस कोरोना काल के बीच में नजर आई, बैठक में दो गज की दूरी भी मंत्री नीलिमा कटियार भूलती हुई नजर आई है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही थी नीलिमा कटियार, लेकिन इस दौरान जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनको दरकिनार इनके जरिए किया गया है। तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि जहां कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद है वो तो मास्क को लगाए हुए हैं, लेकिन खुद मंत्री जी ही मास्क को लगाना भूल गई और दो गज की दूरी की बात करें तो वो भी इस बैठक में नदारद रही। तो राज्य मंत्री हैं नीलिमा कटियार, बिना मास्क के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इनकी बैठक की ये तस्वीरें सामने आई हैं, और इस बैठक में ना ही उन्होंने मास्क लगाना जरूरी समझा और ना ही दो गज की दूरी को समझा है। तो आप देख सकते हैं कि कई लोगों ने तो मास्क का इस्तेमाल किया है, लेकिन कई लोग बिना मास्क के ही इस बैठक में नजर आए। लेकिन बड़ी लापरवाही यहां पर राज्य मंत्री नीलिमा कटियार की नजर आई है, जिन्होंने खुद ही ना मास्क पहना है और ना ही अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मास्क पहनने के लिए कहा गया है। तो ये तस्वीरें देखिए, जहां सरकार कई तरह के प्रावधान ला रही है, कई तरह की सख्तियां बरत रही है, लोगों को सचेत कर रही है, जागरूक कर रही है और कोरोना के प्रति सचेत कर रही है कि आप दो गज की दूरी को कायम रखें और मास्क का इस्तेमाल आपको हर वक्त करना है, लेकिन बावजूद उसके तस्वीरें कुछ ऐसी जिम्मेदार अधिकारियों की, नेताओं की नजर आती रहती है। और अमित मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, ये तस्वीरें साफ बतलाती हुई कि जो कार्रवाई है, जो सख्ती है, वो सिर्फ आम जनता तक ही सीमित है, ना अधिकारियों पर लागू होती है और ना ही नेताओं पर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये नेताओं पर तो बिल्कुल ही नहीं लागू होती है, क्योंकि जिस तरह से वो अपने ही पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री के जो उन्होंने अपील की है कि दो गज की दूरी रखें, मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है, लगातार सीएम भी इस तरह की अपील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो बड़े नेता है, आला नेता है, इस तरह की जो गलतियां कर रहे हैं या जानबूझ के कहें इस तरह के काम कर रहे हैं, तो ऐसे में संदेश भी बहुत गलत जा रहा है। कोरोना काल में लेकर अगर मंत्री जी संदेश नहीं देंगे, वही मास्क नहीं लगाएंगे, वही दो गज की दूरी नहीं करेंगे, तो आम जनता से क्या उम्मीद करी जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, ऐसे में अगर आम जनता इस तरह की गलतियां करती है तो उनको चालान, जेल जैसी तमाम तरह की जो सजाएं होती है वो भुगतनी होती है। लेकिन ये कोरोना के दौर में मास्क ना लगाना बहुत बड़ी गलती माना जाता है और उस पर सख्ती भी की जाती है, जुर्माना भी लगाया जाता है, लेकिन ये जो बड़ी गलती की गई है इनके जरिए, इस पर कोई सफाई अभी तक आ पाई है इनके सामने? जी बिल्कुल, अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है और ये पहली तस्वीर भी नहीं है। लगातार यहाँ पर जो एमएनसी चुनाव को लेकर यहाँ पर सांसद हैं, विधायक हैं, हमने तक कई तस्वीरें और भी पहले दिखाई थी, वो किसी तरह के कोई भी कोरोना के नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं और खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और अगर बात करने की कोशिश की जाती है तो इधर उधर की बातें करके ये लोग टाल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन ये लोग खुद ही अब खुलेआम कर रहे हैं। जी चलिए, धन्यवाद फिलहाल आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।